सिलसिला आजकल जरा ये यू नो अठारहवीं तरमीम की वजह से कुछ चीज़ें जो इस वक्त जरा कन्फ्यूज स्टेट में हैं, और ये सारा जो कन्फ्यूजन है इसकी नज़र ये आजकल हुआ हुआ है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर साहब ने ये प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है इसके मौजू पे एक हफ्ता पहले, और मेरा ख्याल है कोई इंशाल्लाह इसका रास्ता निकलेगा और फिर हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा ये डिवाइसेस की लेजिस्लेशन आगे ले जाने के लिए। यार मैं डीजी हेल्थ हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ, तो 18 तरीके में ज़्यादा आवाज़ ना कराऊँ। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप 1973 की रूल्स ऑफ बिजनेस देखें, उसमें मिनिस्ट्रीज़ के फंक्शन दिए गए हैं, और 1973 के उसमें जो मिनिस्ट्री का एक फंक्शन जो दिया गया है इज़ टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इस्लामाबाद में हैं और कराची में सबसे ज़्यादा है, आउटसाइड इस्लामाबाद। हमारे अस्पताल भी इस्लामाबाद में हैं और कराची में, मैं आपसे यही कहूँगा। ओके, दुनिया के उन ममालिक में हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस सी का जो मौजूदगी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कई कंट्रीज़ की, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे US है, यूरोप है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि आप लोगों के तवज्जो से जो जो इसको बचाने, इसको फैलने से रोकने में बहुत रोल प्ले कर सकती है। जिसमें जब भी आपको इंजेक्शन लगे तो ये इंश्योर कर लें कि वो जो सिरिंज है वो यूज़ नहीं हुई है पहले। इसी तरह अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें सर्जरी है वो, या डेंटिस्ट के पास जाएं, वो स्टरलाइज्ड हो। बार्बर के पास बहुत सारे लोग हमारे जाते हैं, या कान छुटवाने हमारे यहाँ खवातीन जो है, तो ये इंश्योर कर लें, ये इंश्योर कर लें कि ये कि वो जो है उसमें वो स्टरलाइज्ड हो। जहाँ पे खुदा ना खास्ता लोगों को ये डिजीज़ हो जाती है, इसका इलाज बहुत महंगा है। हमारे यहाँ जो एक तरह का इंटरफेरॉन है जो कि अवेलेबल है और गवर्नमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसको, वो है। हमारे यहाँ 30% लोग ऐसे भी होते हैं जो उस इंटरफेरॉन के ट्रीटमेंट के इलाज के बावजूद जो है वो ये मौसीबाज उनकी जान नहीं छोड़ता। उनके लिए जो लोग नहीं हो सकते, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले ये जो है ये बाहर से इंपोर्ट होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा जिस पर ज़र मुबादला भी खर्च होता था और बहुत ज़्यादा महंगी भी था। ये जो प्रोडक्ट है ये तकरीबन जो इस वक्त बाहर की जो मेडिसिन पाकिस्तान में अवेलेबल है उससे 40% इसकी जो कीमत है वो कम है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस इलाज से महरूम पहले रहते थे वो अब जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। और हमारा हमेशा से इस कंपनी का आज़म रहा है, हमारा हम डायबिटीज़ में या दूसरी जगहों में भी ये प्रोडक्ट जी मार्केट में अवेलेबल हो गई भी है। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, और डॉक्टर्स ऐसे लोगों को, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है तो उसके लिए जहाँ पे ये दवाई लिखी जानी चाहिए उसका कोई मुस्तनद डॉक्टर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट जो है वो बता सकता है। तो कोई भी लोग जो हेपेटाइटिस सी से सफ़र करते हैं उनको बेसिकली अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि क्या ये दवाई के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ये जो पेगलेटेड इंटरफेरॉन है ये FDA मॉलिक्यूल है और वर्ल्ड वाइड दुनिया में सारी जगहों पे अवेलेबल है। हमसे पाकिस्तान में आने से पहले इस तरह की दवाई जो है ये इजिप्ट में भी बन चुकी है, दुनिया के कुछ और मुल्कों में जिनमें ईरान है वहाँ भी बन चुकी है, बट ज़्यादातर ये जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो पाकिस्तान में जी ये दवाई ये रजिस्टर्ड मेडिसिन है और पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ है। तो पाकिस्तान भी उन ममालिक की सफ़ में अब शामिल हो गया जहाँ पे जैसे यूरोप, अमेरिका या इजिप्ट और ईरान, तो कि जहाँ पे ये दवाई जो है इस वक्त। आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडेज गेट्स फार्मर्स इवेंट विच वॉज द लॉन्च ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर सेकेंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट।
UniPeg, which is pegylated interferon alpha 2A. This event went very smoothly. We were graced by the presence of the Director General of Health of Pakistan, Professor Dr. Rashid Juma. That was a great privilege for us, despite the fact that he has a very, very busy schedule. He committed and then he actually took the time out to come and grace this occasion. We're actually very happy to be able to produce this product here in Pakistan, manufacture this here in Pakistan, and to be able to market this product, provide it to the general public at prices that are much lower than at the price that this product was previously available by the other foreign manufacturing companies who were importing this product from outside and selling it at a very high cost, which was prohibitive and people were not able to afford it previously. Now a much larger cross-section of the society will be able to afford this product. This event went quite smoothly. We're happy about that. And we're very thankful for the teamwork between our media agency as well as the team within Getz Pharma who planned this event. And we hope to produce and present many such products in the future as well. Thank you very much. My name is Khalid Nasir. I'm a manager of HR administration in Getz Pharma. आज जो हमारा इवेंट था वो पेगिलेटेड इंटरफ्रॉन की लॉन्च थी जो कि गेट्स फार्मा की दूसरी बायोमेडिकल लॉन्च है. इससे पहले हम इंसुलिन की लॉन्च पाकिस्तान में कर चुके हैं. आज जो प्रोडक्ट हमारी लॉन्च हुई है ये हेपेटाइटिस सी की क्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान में एक बढ़ता हुआ मर्ज़ है. और WHO के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर सात लोग जो हैं वो 10 में से इन्फेक्टेड हैं और बहुत तेज़ी के साथ ये मर्ज़ बढ़ रहा है और इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में बहुत सारी प्रोडक्ट्स उसने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड किए हैं जो कि हेपेटाइटिस सी की क्योर प्रोवाइड करती हैं. गेट्स फार्मा ने भी इसी सिलसिले में कंट्रीब्यूट किया है और ये प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसके बारे में हमें इस बात की खुशी भी है कि गेट्स फार्मा एक नेशनल कॉज में कंट्रीब्यूट कर रही है और उसके साथ साथ हमें इस बात का एतमाद भी है और यकीन भी है कि हमारी ये प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान में पहली बार बनाई गई है ये लोगों तक इसकी रसाई होगी और इससे लोग जो हैं वो शिफायाब होंगे. आज का जो इवेंट था उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और डिग्निटरीज़ को बुलाया गया था. इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स मौजूद थे, मीडिया के लोग मौजूद थे और एक हाई प्रोफाइल इवेंट था जिसमें 150 से ज़्यादा लोग मौजूद थे. ये इवेंट बहुत अच्छा हुआ है और तमाम गेस्ट इसमें बहुत सेटिस्फाइड गए हैं. जो प्रोडक्ट लॉन्च के हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो बहुत अच्छे तरीके से पूरे हुए हैं और ऑन टॉप ऑफ इट इस पूरे प्रोग्राम की जो अरेंजमेंट थी जिसमें स्पेशली साउंड सिस्टम था, ऑडियो विजुअल एड थी, वो बहुत अच्छी रही है. आवाज़ की खनक और आवाज़ की जो खूबसूरती थी वो पूरे इवेंट में बहुत अच्छे तरीके से मौजूद रही है और ओवरऑल इस इवेंट में जिसने भरपूर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है.